उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हराम खोर कहना। इस तरह की कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी भाषण में आपने जो हिमालयस है, हिमाचल है, जो कि माँ पार्वती की जन्मभूमि है, उन्हें हिमाचल पुत्री कहा जाता है, लॉर्ड शिवा महादेव की कर्म भूमि है, आज भी कण कण में माँ पार्वती और शिव यहाँ बसे हुए हैं, इसे देव भूमि कहा जाता है, इसके बारे में आपने इतनी ज्यादा तुच्छ बातें की हैं। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। चीफ मिनिस्टर, आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे जब मुझे धमकाने के बाद मुंबई में मैंने वहां की तुलना, क्योंकि वहां पे आजाद कश्मीर के नारे लगे थे और आपके आपकी सोनिया सेना ने उसे डिफेंड किया था, इसलिए मैंने कहा था उसकी तुलना पीओके से की। तो बहुत ज्यादा संविधान के जो बचाने वाले हैं वो उछल के आए थे, लेकिन कल आपने उसी भाषण में भारतवर्ष की तुलना पाकिस्तान से की। अब वो संविधान वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुंह में कोई पैसा नहीं ठूस रहा है। मैं बात कहना चाहती हूं कि जितने भी देशभक्त लोग हैं उनका एक रवैया मैंने देखा है कि आपकी कोई सहायता नहीं करता है। वो ये कहते हैं कि अगर आप देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो आप कौन सा हम पे एहसान कर रहे हैं, आप खुद के लिए अपने लिए ये कर रहे हैं, अपने देश के लिए ये कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमें ठूसने आते हैं, ना हम खुद ही लेते हैं, लेकिन देश विद्रोह के लिए आपके मुंह में पैसे ठूसे जाते हैं। तो ये जो संविधान को बचाने वाले हैं, कल एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरेआम गाली दी, वो कुछ नहीं कहेंगे। चीफ मिनिस्टर, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि सत्ताएं आती जाती हैं, आप सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और महाराष्ट्र के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है। सत्ताएं आती जाती है, लेकिन जो इंसान एक बार सम्मान खो देता है चीफ मिनिस्टर, वो उसे नहीं पा सकता है। जय हिंद।